हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कॉफ़ी का फेस पैक कैसे बनाए। तो गाइस, करने से पहले मैं आपसे वही हमेशा की तरह कहूंगी, गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मैंने आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, कॉफ़ी का जो फेस पैक है, जितना बनाना आसान है उतना ही इसे अपने फेस पे अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है। आप घर के ही कुछ प्रोडक्ट से इसे कॉफ़ी फेस मास्क बना सकते हैं आसानी से। इसको आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये ऐसी चीज़ है जो आपको वीक में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई करना ही पड़ेगा अपने फेस पे। फेस मास्क अप्लाई करें 2 से 3 बार वीकली में, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें कितना डिफरेंट है आपके फेस में, इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। 100% इसका रिजल्ट होता है गाइस, और इसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, हमने ये कॉफ़ी ले लिया है, आप कोई भी घर में कॉफ़ी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें से हम कॉफ़ी लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून हम इसमें से कॉफ़ी लेंगे। ये ऐसे इसको हम इसमें कर देंगे, और ये हम डाबर के गुलाब जल लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप डाबर का ही लें, आप कोई सा भी गुलाब जल ले सकते हैं। तो ये मैं गुलाब जल की कुछ ड्रॉप हैं वो जो इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप इसे बहुत ही आराम आराम से मिक्स करें, इजीली तरीके से। ये दोनों चीज़ें आप मार्केट से ले सकते हैं। कॉफ़ी तो मोस्टली हर घर में अवेलेबल होती है, डाबर गुलाब जल आप जा कर के बाहर से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डाबर का लें, आप कोई भी गुलाब जल ले सकते हैं, लेकिन बस कोशिश कीजिए कि गुलाब जल ओरिजिनल हो। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ये मेरा पैक तैयार है बिल्कुल। तो गाइस, हमने इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया था। अब सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें एक टिश्यू से। मेरा फेस वैसे क्लीन है, लेकिन मैं फिर भी एक बार क्लीन कर ले रही हूँ, जो भी मतलब डस्ट वगैरह है वो सब क्लीन हो जाएगी। अब इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आप एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करें। आप एक बात का हमेशा याद रखें, जब भी इसमें गुलाब जल मिलाएं वो थोड़ा थोड़ा ही मिलाएं, एकदम से ड्रॉपे ना डाल दें, क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना डाल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है, जो आपके फेस पे लगाते वक्त बहुत ज़्यादा वो निकलेगा। तो उसे थोड़ा सा थिक ही बनाएं, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही डालें गुलाब जल, उसको अच्छे से मिक्स करें, मेल्ट करें, फिर दोबारा से डालें। ओके, आप इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लें एक फ्लैट ब्रश से। ब्रश से ये बहुत ज़्यादा ईजली लगता है, बहुत आसानी होती है आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करने में। एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी आप अपनी आंखों के ऊपर ना लगाएं, आंखों के नीचे ही लगाएं, क्योंकि आंखों के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें, क्योंकि इसमें जितने भी आपके डार्क सर्कल होंगे वो इससे धीरे धीरे लाइट होते जाएंगे। आप वीक में 2 बार इसे ज़रूर लगाइएगा गाइस, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, तो थोड़ा वर्क दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है इन्हें, उनका वर्क जो है वो थोड़ा से टाइम में ही पता चलता है कि कितना वर्क कर रहा है आपके फेस पे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है कॉफ़ी का फेस पैक, ये गाइस ये तो नॉर्मली भी आपको लगाना चाहिए घर में, लेकिन हमेशा याद रखें
को लगाते समय आप ज़्यादा बात ना करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। जब हम बोलते हैं स्किन हमारी टाइट हो जाती है, क्योंकि जब ये सूखने लगता है तो जब हम बात करते हैं तो हमारे फेस की जो स्किन होती है वो साथ में मूव करती है बात करने पे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे फेस पे। तो अब मैंने ये पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको 70-80% इसको थोड़ा सा सूखने दूंगी। तो गाइस मैंने इसे 70-80% तक इसे सूखने दिया है और अब ये बहुत अच्छे तरीके से सूख चुका है। अब इसको आप गुलाब जल की हेल्प से अपने फेस पे स्प्रे कर लें। और एक टिश्यू से आप चाहें तो इसे डायरेक्टली जा करके धो भी सकते हैं पानी से, और चाहे तो गुलाब जल का स्प्रे करके आप इसे एक टिश्यू से रब भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा अपना असर दिखाने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन आप अगर इसे आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 बार, तो ये 1 वीक में ही आपको अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। आपके जितने भी डार्क सर्कल होंगे या आपके फेस पे दाने के या किसी भी चीज़ के निशान होंगे जो बहुत टाइम से जा नहीं रहे हैं, और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं जो केमिकल भरे होते हैं आज के टाइम पे, और उससे भी अगर नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार गाइस इसको ज़रूर यूज़ करके देखें। ये 110% आपको वर्क करेगा। मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, इसे एक बार और रोज वाटर से अच्छे से क्लीन करने के लिए कर लूंगी स्प्रे। अब एक टॉल की हेल्प से, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस कि आप जब भी फेस पैक को रिमूव करें, और चाहे आपके हाथ में टिश्यूज हो या फिर टॉवल हो, आप बहुत जोर जोर से इसको रब करके मत उतारिएगा, वरना आपके फेस पे पूरा फेस आपका रेडनेस जैसा हो जाएगा और हो सकता है कि उस पर निशान भी पड़ जाए। इसलिए आप इसे आराम से इजी स्लो मोशन में अपने टॉवल से इसे ऐसे डैप करके फेस को साफ कीजिए। ये आप देख रहे हैं मैंने इसे साफ कर लिया है। यू कैन सी गाइस मेरे फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया है, और मेरा फेस इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है, इतना मुलायम सा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस सी आ गई है मेरे फेस पे एक, और ग्लो तो आप देख ही रहे हैं मेरे चेहरे का। अगर आपको कहीं जल्दबाजी में आपको कहीं जाना है, किसी वेडिंग में जाना है, और फेशियल का टाइम नहीं है आपके पास, और ज़्यादा वक्त भी नहीं है आपके पास जो आप फेशियल करा सकें, पार्लर जा सकें, तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यह आपको बहुत ही अच्छा ग्लो देगा गाइज, बहुत ही अच्छा। तो गाइज आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइज। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट करें, और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।